पोलर बेयर यानी ध्रुवीय भालू बर्फ के जैसे सफेद रंग के होते हैं। ये प्रजाति उत्तरी ध्रुव के बर्फीले क्षेत्रों में पाई जाती है। उत्तरी ध्रुवीय भालू अपने बर्फीले राज्य में आराम से घूमते हैं, सोते हैं और शिकार की खोज में बड़े आइस चंक्स के ऊपर चढ़ के बैठे रहते हैं। पृथ्वी के सबसे सुंदर और बड़े प्रजातियों में ये शामिल होते हैं। उत्तरी ध्रुव में पहले बहुत सारे ध्रुवीय भालू देखी जाती थी। साइबेरिया और ग्रीनलैंड में भी थे बहुत। अभी इनकी तादाद इतना घट गया है कि पशु प्रेमियों के लिए ये चिंता का विषय बना हुआ है। जू में इनको संरक्षण करने के लिए ध्रुवीय परिवेश जैसे माहौल बनाना पड़ेगा, जिस कारण से ज्यादातर चिड़ियाघरों में इनको रखा नहीं जाता। बहुत पहले पश्चिम बंगाल की कैपिटल कोलकाता के आलीपुर चिड़ियाघर में ध्रुवीय भालू रखा जाता था। इस प्रजाति की संख्या कम होने का दो मेन रीजन है। ध्रुवीय इलाकों में इनका कोई शत्रु नहीं रहने के बावजूद भी इंसान इनके मूल्यवान चमड़ी के लिए इनका शिकार करते हैं। इस चमड़ी से बहुत मूल्यवान पोशाक बनाई जाती है और लोग इनको बहुत शौक से खरीदते हैं। इसलिए शिकार या विमान में चढ़ के इनके खोज में मंडराते रहते हैं। और दूसरा रीजन है ग्लोबल वार्मिंग, जिसके कारण से इनके रहने के क्षेत्रों की कमी हो रही है। बहुत से वक्त माँ भालू अपने शाबक को बर्फ के ऊपर रख के खाने के संधान में चली जाती है और इतने देर में बर्फ पिघल जाती है और शाबक पानी में डूब के मारी जाती है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण आज ग्रीनलैंड और अलास्का के कई इलाकों की बर्फ पिघल चुकी है। अब किसको पता है कि ये प्रजाति और कितने वक्त तक इस दुनिया में टिकी रहेगी। बहुतों के मुताबिक ध्रुवीय भालू की लंबाई 6 से 7 फीट तक है और इनका वजन है 7 क्विंटल। उत्तरी ध्रुवीय इलाकों के एस्किमो इनकी चमड़ी के लिए बहुत पहले से ही इनका शिकार करते आ रहे हैं। इस इलाकों की इतनी कपकपाती ठंड से ये चमड़ी उनको रक्षा करती है और ध्रुवीय भालू की चर्बी वो दिया जलाने में इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम लोग घी से या सरसों के तेल से दिया जलाते हैं, वैसे ही ये लोग ध्रुवीय भालू की चर्बी से दिया जलाते हैं। इसके अलावा भी एस्किमोस इस भालू की नाखून और हड्डी को भी हथियार बनाने में इस्तेमाल करते आ रहे हैं, वो भी बहुत प्राचीन काल से। ध्रुवीय भालुओं में कुछ ऐसी विशेषताएं देखी जा सकती है जो दुनिया के किसी और भालू प्रजाति में नहीं देखी जाती। नंबर 1, ध्रुवीय भालू पूरी तरह से मांसाहारी जीव है। इसका मेन रीजन ये है कि ध्रुवीय अंचल में कोई भी पेड़ पौधे नहीं उगते, इसलिए ये प्रजाति मांस खाने में मजबूर है। नंबर 2, ये भालू उत्तरी ध्रुव के बर्फीले ठंडे पानी के बहुत अच्छे तैराक है। ये प्रजाति पानी के बहुत गहराई में जाके शिकार करते हैं। ये पानी के अंदर कई समय तक अपनी सांस रोके रह सकते हैं। नंबर 3, ध्रुवीय भालू सेल्स का शिकार करने में बहुत माहिर होते हैं। सेल्स के अलावा भी ये ध्रुवीय लोमड़ी, कैबिरू जैसे जानवरों का शिकार भी करते आ रहे हैं। नंबर 4, ये प्रजाति 25 माइल पर आवर की स्पीड से दौड़ सकते हैं और किसी भी प्रजाति के भालू इतने तेज नहीं भाग सकते और इसलिए ही ये हिरण का शिकार करने में भी सक्षम होते हैं। नंबर 5,
पानी में बहुत तैरने के बावजूद भी इनकी बॉडी बिल्कुल भी गीली नहीं होती, क्योंकि इनके डोम के ऊपर ऑयल का एक लेयर रहती है। ध्रुवीय भालू हिम सेल या बड़े बड़े बर्फ के तैरते हुए स्तर को शिकार करने में नाव की तरह इस्तेमाल करते हैं। ये हिम सेल अपने आप आगे बढ़ती रहती है और ये भालू उसके ऊपर शिकार के इंतजार में बैठी रहती है। जैसे ही शिकार नजर आती है उसके ऊपर टूट पड़ती है। सारे प्रजातियों के भालुओं में ध्रुवीय भालू सबसे ज्यादा आक्रामक होते हैं। इनको अकेले रहना ही पसंद है। गर्मियों के मौसम में यानी प्रजनन ऋतु में नर और मादाएं कुछ दिनों के लिए साथ रहती है। मादाएं एक साथ दो शावक को जन्म देती है। अपने संतानों को बचाए रखने के लिए ध्रुवीय भालू जितना मेहनत करते हैं इस विशाल प्राणी जगत में और कोई नहीं करता। पहले मादाएं बर्फ के अंदर गुफा बनाती है और उसके अंदर ही अपने शावकों को जन्म देती है। आर्कटिक के भयंकर कपकपाती ठंड से अपने बच्चों को बचाए रखने के लिए अपनी गर्म फरी बॉडी से उनको ढक के रखती है। ऐसे ही 6 महीनों तक माँ बिना खाए गुफा के अंदर उनको दूध पिलाती है। इसके बाद गर्मी के शुरुआत में बच्चों को लेकर शिकार करने वो बाहर आती है और बच्चों को खिलाती है। छह महीनों तक बिना खाके रहना एक आश्चर्य का विषय है, लेकिन ध्रुवीय भालू गर्मियों के मौसम में बहुत ज्यादा शिकार करते हैं और उस खाने को अपने शरीर में चर्बी के रूप में जमा करते हैं। ठंडी में जब शिकार की कमी रहती है तब ये चर्बी ही उनके खाने की जरूरत को मिटाती है। इस दुनिया का सबसे खूबसूरत जीव है ध्रुवीय भालू, लेकिन हमारे आंखों के सामने ही ये धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। इनकी मूल्यवान चमड़ी और ग्लोबल वार्मिंग जिसका मेन रीजन है। हम सबको शपथ लेनी पड़ेगी कि हम लोग इसकी चमड़ी की पोशाक नहीं पहनेंगे और ग्लोबल वार्मिंग होने से भी रोकेंगे। अगर इनको बचाया नहीं गया तो उत्तरी ध्रुव का संतुलन पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा।